लो जी, पेश है जी फिर संदीप हुणां दी जुबानी ये कहानी। मेरी बेटी जिहड़ी जर्मनी देश दी जंपा लिया, ओदी उम्र 24 वरे दी आ। ओ हुण तक किसे रब नूं, धर्म नूं, किसे आकार नूं नहीं मन्नदे, बस अपनों अपने दिल दी भाषा नूं समझ आउंदी आ। ते ओ नियमां दी पाबंद है, जिम्मेवार इंसान आ, और इत्थे दे बच्चियां नूं ना झूठ बोलण दी आदत नहीं होंदी, सो ओ सच दे बहुत नेड़े आ। अपने हथी आप अपना कार्ज करने वाले इत्थे दे बच्चे होंदे आ। नफरत, दुई, द्वेष तो कोसा दूर होंदे ने, ते हर साह लैण वाली शह दा सतिकार करदे ने, ते उहनां दी जिंदगी उहनां दे ढंग नाल जीण दे उपासक होंदे ने। जदों छोटी सी तां मैं उसनूं गुरु घर नाल लै जांदे होंदे से, हिंदू धर्म वाली आरती भी सिखाई सी, कुछ एक दो मंत्रां दे रट्टे भी लवाए से। शाम पैंदे सी तां उह आरती गाउण लग पैंदे सी, क्योंकि मैं उसनूं याद कराउंदी सी कि संध्या दा वेला आ, रब दा नां लैणा आ। ते उह न्याणी मत दी सी, ते मेरी कमांड दे हेठ उह सब कुछ करदी सी जो मैं कहिंदी हुंदी सी। एक दिन मैथों पुछण लगे, मां मैं होर किन्नी देर तुहाडे कहण ते सब कुछ करना है? सवाल डूंघा सी ते बगावत भरिया वी। हर मापे अपने बच्चियां वास्ते उह सब कुछ बेहतर करनगे जिसकी घाट उसनों अपने मापियां दे कोलों रह गई होंदी है। मेरी मां बहुत सख्त मिजाज दी सी, अज भी आ। मैं बहुत सारे अपने जिंदगी दे फैसले मां दी रजामंदी दे विच ही कीते ने, ते अंदर बगावत उठदी सी पर हिम्मत नहीं सी पैंदी। इसे करके मेरी मां ने ना जिथे मैनू मां बन के प्यार दिता, उथे ओ कई ओ गल्लां च उक गई कि धीआं बहुत नरम मिजाज दीआं होंदीआं ने, जद आई तैयार जान ते जज्बाती होके पत्थर दी शीला भी बन जांदियां ने। खैर, मैं अपनी धी नूं कहा कि पुत तू आजाद है, तेरे लिए जरूरी नहीं मेरी गल मननी, मेरा फर्ज है तेनू समझाउणा, अग्गियों तू ओही कर जो तेनू सही लगे, पर किसे दा नुकसान ना होवे ते तेरा कीता फैसला भविख विच तेरे लिए पछतावे वाला ना बन जावे। उसने उसे दिन बालकोनी विच खड़ी ने कहा, मां मैं तेरे नाल वादा कर दिया, मैं कोई भी फैसला करन तो पहला ना सोच विचार करूंगी, तेरी सलाह भी लाऊंगी, पर तू मैनू कोई भी कम जबरदस्ती करन नू नहीं कहेंगे। साडी दोहां मावां तियां दी उस दिन डील हो गई। उस दिन मगर उसने शाम वेले दी आरती करनी छड़ दित्ती। मैं भी कहना छड़ दित्ता कि आरती क्यों नहीं कीती। एक दिन रात नू सौण लगी दी, मैं अचानक उहदे कमरे विच गई तां उह हाथ जोड़ के बैड ते बैठी मुंह दे विच कुछ बोल रही सी। मैं डर खोले ते उसे तरह फिर मुड़ाई कि उहदा ध्यान भंग ना हो जावे किते। कुछ देर मगरों मैनू कमरे दे विच आवाज मार के कहन लगी, मां रब नू जर्मन भाषा दी समझ आउंदी आ? अगो मैं भी कहा, हां बिल्कुल आउंदी आ। मेरी गल सुन के वह हस पई। फिर मैं पूछया कि तू रोज रात वेले जोदड़ी करदी आ? कहन लगी, हां की कहंदी होनी आ रब नू? मैं बड़ी हैरानी दे नाल पूछया, कुछ भी नहीं, बस यही कि रब जी तुसी अपना ख्याल रखना, बस मां मैं यही कहंदी आ, नाले मेरिया सोचा वाला रब तुहाडी आ मूर्तियां ते फोटो विचले रब वर्गा नहीं आ, उहने बहुत भोले अंदाज विच किया। फिर किद्दां दा आया तेरा रब? मैं भी अगो पूछया। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਮਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਕੰਨੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਭਰੇ ਗੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ,
मैं भी मानती रही, मैं रोज रात नू कहंदी रही, रब जी तुसी अपना ख्याल रखना, किथे आ रब जिन्हें वह सारे बच्चे मार दिते जिन्हां दी मावां उड़ीक दियां सन। मां मेरे को अज तो बाद किसे रब की गल ना करी, वह किते नहीं है। वह दिन गया मेरी धी ने रब नू मनना छड़ दिता, ते हुण तक ते अज की तरीक विच भी वह अपने कर्ज उत्ते कायम है। मैं कदे कदे नवा परचा खोल के उस तो पूछदी हुन्नी आ कि की कहंदा है तेरा रब तैनू, ते ओह अग्गों कहूगी, मां जदों मैनू अपनी होंद दा यकीन दवा देवेगा, जद मैं दुनिया दे विच सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा ना, फिर मैं उन्हों मनन लग जाऊंगी। तद तक मैं अपने आप नू सुनदी रहूंगी, अपने आप पर विश्वास करती रहूंगी। सच्ची गल है, कई बार तो दुनिया दे विच वध रहे जुल्मां नू देख के रब तो पूछण नू दिल करता हुंदा है कि जे तू सर्वशक्तिमान है तो फिर तेनू किस सिफारिश की लोड़ है, सब कुछ जे तेरे हथ वस है तो फिर देर किस गल दी है।